जून 2019 रविवार। और बात करते हैं आज के मुख्य समाचार। टुडे ब्रेकिंग न्यूज का अपडेट वीडियो आपके लिए आ चुका है और आइए नजर डालते हैं आज देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर। शुरुआत करते हैं पहली बड़ी खबर से। तो अच्छी खबर है दोस्तों, सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। जीएसटी घटने पर नहीं घटाए दाम तो लगेगा 10% जुर्माना। जी हां, दरअसल आपको बता दें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में हाल ही में शुक्रवार को जीएसटी काउंसिल की एक 35वीं बैठक हुई, राइट। और इसमें सबसे अहम फैसला लिया गया कि अब जीएसटी घटने के बावजूद दोस्तों बाजार में कई सारे ऐसे दुकानदार वगैरह होते हैं जो अपने सामानों पर जीएसटी यानी कि टैक्स रेटें कम नहीं करते हैं। तो अब उनके ऊपर, उन कंपनियों पर, उन दुकानदारों पर, उन बिजनेसमैन के ऊपर 10% सरकार की तरफ से जुर्माना लगाया जाएगा पेनल्टी के रूप में, है ना। तो ये बहुत ही अच्छी बात है। ज्यादा डिटेल आप देख सकते हैं इसकी स्क्रीन पर। चलिए अगली बड़ी खबर है, हर इमारत में जरूरी होगी एसटीपी, जल संकट होगा दूर। जी हां दोस्तों, दरअसल आपको बताऊंगा हमारे देश में पीने के पानी की काफी ज्यादा समस्या है, राइट। और ऐसे में अब कर्नाटक सरकार ने ये नया नियम बना दिया है कि अब अगर कोई भी मकान या बनाता है अपार्टमेंट वगैरह, तो उसके निर्माण के दौरान ही उसमें जल प्रसंस्करण संयंत्र यानी कि जल को इकट्ठा करने का जो कोई भी सिस्टम होता है वो उसमें लगाना ही पड़ेगा, है ना। कितनी अच्छी बात। चलिए अगली बड़ी खबर है, एयरलाइंस कंपनी का ऑफर निकला और दोस्तों सिर्फ 70 रुपए में आप अमेरिका से मेक्सिको तक की यात्रा कर सकते हैं और 30 जून तक इसके लास्ट डेट है। तब तक अगर आप इंटरेस्टेड है तो ज्यादा डिटेल आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। चलिए अगली बड़ी खबर है, सलमान खान की 1.35 करोड़ वाली बीएमडब्ल्यू कार बिकाऊ है। जी हाँ, ये 1.25 करोड़ से भी ज्यादा की कार आप महज 75 लाख रुपए में खरीद सकते हैं जो कि बीबीटी यानी कि बिग बॉय टॉयज के ऊपर अवेलेबल है। चलिए अगला अपडेट है, केजरीवाल सरकार ने भी एक बड़ा तोहफा दिया है, गरीब छात्रों को मिलेगी 100% स्कॉलरशिप। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार ने छात्रों को एक फिर से बड़ा तोहफा दिया है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने ऐलान किया कि जिस परिवार की सालाना इनकम 1 लाख रुपए से कम है उनको फीस की 100% स्कॉलरशिप मिलेगी, यानी कि ऐसे लोग जितनी फीस जमा करेंगे उनको उतने ही रुपए स्कॉलरशिप के रूप में वापस मिल जाएंगे। तो दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से एक नई स्कीम का ऐलान किया गया है। चलिए अगली बड़ी खबर है, एलआईसी एजेंट बनने का मौका है, हर महीने मिलेंगे 12,000 रुपए। जी हाँ, 6 जुलाई तक इसके लास्ट डेट है, तब तक आप अप्लाई कर सकते हैं और इसकी लिखित परीक्षा 13 को होने वाली है। भारतीय जीवन बीमा निगम यानी कि एलआईसी का नाम आपने सुना होगा, उसमें अगर आप भी एजेंट बनकर काम करना चाहते तो इसमें रिक्रूटमेंट निकली हुई है। 21 से 35 साल तक की आयु के कोई भी लोग अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट जो अभी मैंने आपको बताया 6 जुलाई तक है ना, तो आप एलआईसी इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट पर ज्यादा डिटेल चेक कर लीजिएगा, ओके। चलिए अगली बड़ी खबर है, राष्ट्रपति ने इसरो को चंद्रयान 2 के लिए शुभकामनाएं दी हैं, जो कि 15 जुलाई को लॉन्च होने जा रहा है चंद्रयान 2। इसको लेकर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो को हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई दी है। चलिए अगली बड़ी खबर है, बीजेपी सरकार की सबसे जबरदस्त स्कीम है, युवाओं को देगी 8,000 रुपए नकद और मुफ्त ट्रेनिंग। जी हां दोस्तों, PMKVY के नाम से तो आपने जरूर योजना को सुना होगा। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का एक और नया अपडेट आया है और इसमें अगर आप 10वीं 12वीं पास पढ़े हैं या उससे भी कम पढ़े लिखे हैं तो भी आप अपना खुद का रोजगार करने की स्किल सीख सकते हैं और ये ट्रेनिंग के लिए सरकार आपको 8,000 रुपए आर्थिक मदद भी देगी। अब इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है PMKVYofficial.org, इसके ऊपर ज्यादा जानकारी चेक कर लीजिएगा कि कब इसकी नई प्लानिंग वगैरह शुरू होने जा रही है ताकि आप भी इससे जुड़ सकें और फायदा उठा सके, है ना। चलिए अगला अपडेट है, महत्वपूर्ण खबर है दोस्तों, अब पेरेंट्स भी कर सकेंगे बच्चों की स्कूल बस और वैन की जांच, इन नंबरों पर करें शिकायत। दरअसल दोस्तों आपको पता होगा जुलाई से पहले से ही वापस स्कूल का एक नया सत्र शुरू होने जा रहा है, राइट। और ऐसे में ये स्कूलें खुलने से पहले ही परिवहन विभाग ने एक सख्ती से कड़ा दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं और इसके साथ ही विभाग ने स्कूली बच्चों के पेरेंट्स को भी बसों और ऑटों के निरीक्षण के अधिकार दे दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट और जिला प्रशासन द्वारा बच्चों की सुरक्षा को लेकर बनाई गई नई गाइडलाइन का पालन अगर कोई पेरेंट्स नहीं करता है तो इसकी शिकायत वो RTO ARTO में भी कर सकेंगे, है ना। तो ये अच्छी खबर है दोस्तों मध्य प्रदेश राज्य के लोगों के लिए। चलिए अगली बड़ी खबर है, पेट्स को भी ले जा सकेंगे अब रेस्टोरेंट, मना सकेंगे उसका बर्थडे, ऐसे करनी होगी बुकिंग। जी हाँ दोस्तों, दरअसल आपको बता दें अब आप अपने पालतू जानवर जैसे कि कुत्ता बिल्ली हो गया, इनको भी होटल में ले जाकर वो भी 5 स्टार में और उनका बर्थडे मना पाएंगे। इस तरह की 5 स्टार होटल मुंबई में ओपन हो चुकी है। चलिए अगली बड़ी खबर है, पबजी खेलने वालों के लिए बड़ा अपडेट है, पबजी लाइट के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुके हैं और आप भी इसमें हिस्सा लेकर के इनाम जीत सकते हैं। 4 जुलाई तक इसकी लास्ट डेट है, तब तक आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और ऐसे में अब इसमें किस तरह से इनाम जीते जाते हैं तो आप देख सकते हैं, अगर आप पबजी यूजर्स हैं और पहले से अकाउंट बना रखा है तो आपको केवल लॉगिन करना है और फिर यहाँ पर आपको इवेंट के लिए पार्टिसिपेशन करना होगा। इसके बाद वेबसाइट पर दिए गए स्टेप्स को फॉलो करना है और ऐसे में आप देख सकते हैं अगर रजिस्ट्रेशन कराने वाले यूजर्स की संख्या 1 लाख से ज्यादा हो जाती है तो प्लेयर्स को ब्लैक स्कार्फ, पंक ग्लासेज और ब्लडी कॉम्बैट पेंट गिफ्ट में मिलेगा। इसके अलावा भी कई सारे प्राइज उपहार के रूप में मिलेंगे, तो डिटेल आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, है ना। चलिए अगली बड़ी खबर में जान लेते हैं आज के मौसम समाचार को लेकर बड़ी खबरें हैं। मानसून की रफ्तार तेज हुई है और बिहार और झारखंड के बाद अब इन जगहों पर भी भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। दरअसल आपको बता दें अगले 48 से 72 घंटे के दौरान मानसून के पूर्वी उत्तर प्रदेश और पूर्वी मध्य प्रदेश तक पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है। मौसम विभाग का कहना है
है कि उत्तर पश्चिम राजस्थान से एक ट्रॉफ लाइन उत्तरी बंगाल की खाड़ी क्षेत्र की ओर से तेजी से आगे बढ़ रही है और ऐसे में दोस्तों बहुत जल्द कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, बिहार और पंजाब और साथ में हरियाणा में भी अगले कुछ घंटों में बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। इसके साथ ही मौसम को लेकर कुछ बड़ी खबरें आप देख सकते हैं। महाराष्ट्र और गोवा में 3 दिन तक भारी बारिश की चेतावनी है, खराब हो सकते हैं हालात, तो सावधान रहें। चलिए अगले बड़ी खबर दोस्तों। इसी तरह की किसी भी एडवर्टाइजमेंट या न्यूज देने के लिए आप हमारे चैनल को संपर्क कर सकते हैं। हमारा नंबर है 7666-47110। कोई भी घटना हो, कहीं भी हो, आप हमें इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं।